ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोस्तों पिछली कथा में हमने वर्णन किया था परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। आज की कथा में हम वर्णन करेंगे महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूर्य कहते हैं, सोनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह से पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खा खा कर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थानों में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः बद के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, तीन पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इससे आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है उस मतवाले राजा की कीर्ति आयु ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे अभी मार डालूंगा। सुरभिनंदन आप तो चार पैर वाले जीव हैं, आपके तीन पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ आपका कल्याण हो, बतलाइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वह कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण हो जाता है। तो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो कर के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि अब इनमें कौन सा मत ठीक है ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूर्य कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सोनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव सत्य युग में
आपके चार चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ, आसक्ति और मद से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों से जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का सांग बनाकर ब्राह्मण दोही शूद्र मुझे भोगेंगे। मारुति परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने चरण चिन्ह उतार डाले और वह बेहबल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अब तू हंसते हुए से उसे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूर्य कहते हैं, परीक्षित यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर्ग उठा। यमराज के समान मारने के लिए उदत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूर्य कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे चार स्थान दिए, धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमश असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये चार प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के पांच स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के लिए दिए हुए इन्हीं पांच स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन पांचों स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीन चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।